अभी गाड़ी गई है, फ्लीट गई है, माइक लगा अंकुर आगे मत जाओ। पुलिस ने गिरफ्तार किया, काफी सीरियस धाराएं लगाई हैं। इस तरह से डीएम साहब का यहाँ माहौल, पुलिस के अधिकारियों का बर्ताव रहा, अंकुर भाई बातें बताई उन्होंने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि वह सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। उनके अपने नारे भी सुनाए कि कौन कौन से नारे वो अंकुर उस समय वो यूज कर रहे थे, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो इनके साथ काफी अन्याय हुआ है। एकता जी भी थी जिनकी छोटी सी बच्ची, उनका इंतजार कर रही। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है कि ये जो दंगाई है, जो उनको भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है, और प्रियंका गांधी घूम घूम के बच्चे यूनिवर्सिटी पर अच्छे हैं, दंगाई बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप मिल लीजिए इनसे, उनकी बातें सुनिए, उनकी कहानी सुनिए। ऊपर कर रहे थे ये अधिकार जो है प्रदर्शन का, अपनी आवाज उठाने का, ये युवा का अधिकार है, अधिकार संविधान का दिया हुआ अधिकार है। इतने विरोध के बाद भी अमित शाह जी कह रहे हैं किसका आना हुआ और किन से आपकी मुलाकात हुई और किन वजहों से आपको बुलाया गया था? आज प्रियंका गांधी आई थी बनारस में, उन्होंने एक दिन पहले ही ये सूचना मिली थी कि अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि वो पीड़ितों से मिलने आ रही है, साथ ही जो प्रदर्शन में लोग शामिल थे सीए के विरोध में उनसे मुलाकात करेंगे जो लोग जेल गए थे। आज उनसे मुलाकात हुई, सभी ने अपने पक्ष रखे, जेल में किस तरह का व्यवहार था, जेल के बाहर समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है और ये कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो इस तरह के जो कानून है, जो देश विरोधी कानून है और पूरे देश की जो नींव है उसको जाने वाले कानून उसको काम करेंगे। तो आप कितने दिन जेल में रही हैं और आपको उस दौरान क्या तकलीफ हुई थी जिससे आप काफ़ी दूर रही हैं, ये अभी कुछ आपसे पूछा होगा या बात किया होगा? देखिए, मैं 14 दिन जेल में थी, 15वें दिन मैं रिलीज हुई थी, और जेल में बाकी चीज़ों की तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जेल में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो थी
की मुलाकात जो है, मुझे जेल में जाने के बाद पता चली कि मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरी बेटी कैसे है। चार दिनों बाद मुझे घर वाले मिलने आए और पता चला कि वो रोज सुबह आके वो लोग लाइन लगाते थे, मिलने का रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन बार बार ये कह के जेल प्रशासन द्वारा उनको वापस कर दिया जाता था कि ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव। आप अपनी बच्ची से जो दूर रही उसके बारे में बताइए, वो कितनी ज़्यादा पीड़ा थी आपको उस दौरान? इसके खासकर उसकी बच्ची जब इस उम्र में हो कि वो अपने माँ के दूध पे काफ़ी वक्त तक निर्भर हो, ऐसे में अचानक में अपनी बेटी से एक शाम अलग हो जाना, वो भी 14 दिनों के लिए, ये काफ़ी कठिन था। और मुझे सबसे ज़्यादा अपनी बेटी की चिंता लगी रहती थी कि वो कैसी होगी, कहीं बीमार न हो गई हो। इस तरह और आपके हस्बैंड दोनों लोग? जी, हम दोनों ही जेल में थे। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के